जैन दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं SSC GD की नई वैकेंसी के बारे में। बिल्कुल आपकी नोटिस आई हुई है, उस नोटिस को आपको हम दिखाएंगे अभी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है। आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे वीडियो आप लोगों को ऐसे बनाया जाए ताकि आपको हेल्प मिल सके, आपको अच्छा लगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और बेल आइकन प्रेस करते समय आप ऑल पे क्लिक जरूर करें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे इस चैनल के माध्यम से। जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल सके, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखेगा यार, कहीं भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, 4-5 मिनट टाइम निकाल के ही देख लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे कि SSC GD की नई वैकेंसी के बारे में। आप बार बार कहीं वीडियो देखने को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो आप बने रहेगा अंत तक, जरूर देखना और कमेंट में जरूर आप बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चलो आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये नोटिस आप देख सकते हैं, एक नोटिस आई है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले पर अर्जेंट, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पुलिस सेकंड डिवीजन पैरा सेकंड, ये आपकी ये नोटिस है। यह नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली से आया हुआ है। सब्जेक्ट है इसका आप देख सकते हैं ऊपर, वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल GD इन CAPF NIA SSF एंड आसाम राइफल GD इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2020, यानी कि 2020 के ये SSC GD के है, ये जो सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग आया हुआ है। यहाँ पर लिखा गया है कि द अंडर साइंड इज डायरेक्ट टू रिफर टू दिस मिनिस्ट्री OM डेट 1/1/2020 एंड CRPF UO डेट 31/1/2020 ऑन दिस सब्जेक्ट एबब, जो क्रिएट हुआ है ये इसी के एबब हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो और सबसे पहले वीडियो बनाया था 2019 में आया था, जिसे कौन सा आपको मैं नोटिस दिखा देता हूँ, वो नोटिस कौन सी ये आप नोटिस देख सकते हैं, उससे पहले आई थी। यहाँ पर ये बताया गया था कि इनके जो आपके होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्रालय, इन्होंने ब्यौरा सभी विभागों से मांगा था कि आपको 1 तारीख से मुझे दे देना है इसका ब्यौरा, जैसे कि किस विभाग में कितने पद खाली हुए हैं, ठीक है। जैसे CRPF हो, चाहे SSB हो, चाहे BSF हो, चाहे CISF हो, चाहे NIA हो, जितने भी विभाग हैं पहले मिलिट्री की, वो सभी विभाग उनको दे देने हैं गृह मंत्रालय को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्हों सभी लोगों ने इसका जो ब्यौरा इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि फिर से वो नोटिस जारी कर लिया, ठीक है। तो इन्होंने ये नोटिस फिर से ओपन किए हैं ताकि हम इसे फिर से मांग सकें। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पैरा दिया गया है, इन दिस रिकॉर्ड CRPF इन रिक्वेस्टेड टू गेट वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल GD फाइनेंशियल ईयर वाइज एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन दिस पैरा सेकंड। तो फाइनेंशियल ईयर वाइज, यानी कि फाइनेंस ईयर का मतलब होता है जो आपका वित्तीय वर्ष में बोलते हैं मार्च और अप्रैल, तो मार्च अप्रैल तक सभी आपके जो ब्यौरा थे उनको देना था गृह मंत्रालय को। तो इन्होंने कहा कि फिर से इमीडिएटली आपको देना है, और इसके बाद पैरा सेकंड आप रिवाइज स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल CAPF NIA SSF एंड आसाम राइफल एंड इमीडिएट टू दिस मिनिस्ट्री बाय रिटर्न फैक्स, इनको तुरंत जल्दी से जल्दी इनको रिटर्न कर देना है एट दिस सेम दिस रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू कंप्लेंट अथॉरिटी अर्जेंटली। तो इनको तुरंत देना है सभी विभागों। अब यहाँ पर देखेंगे कि जोसेफ की 2019 में आई थी एक नोटिस, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया कि जो नोटिस आई थी 2019 में आई थी, तो इन्होंने मांगा कि आपको 1 तारीख तक दे देना है, यानी कि फाइनल से ईयर यानी कि मार्च अप्रैल दे देना है 1 तारीख। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिया नहीं, क्यों नहीं दिया ये तो पता नहीं, इन्होंने नहीं दिया। अब क्या था क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, इनको दे देना चाहिए था और गृह मंत्रालय ने मांगा था तो इन्होंने नहीं दिया। तो इन्होंने फिर से नोटिस जारी किया जो ये फैक्स द्वारा आया है। तो ये चीज़ हो सकता है कि नोटिस जो आप सोचोगे कि नोटिस मुझे नहीं मिल पाए, मैं कहाँ से देखूँ, तो आपको नोटिस ये नहीं मिल पाए कि ये अनऑफिशियली है, ये ऑफिशियली यानी कि वेबसाइट पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आप मान के चलना है कि इन्होंने जो वैकेंसीज के बारे में आपको, इनको जो फाइनेंशियल ईयर है जो आपका देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर वाइज, तो फाइनेंशियल की मार्च अप्रैल तक सभी का ब्यौरा को 100% दे देना है। इस बार कंफर्म है कि 100% आपको इनको देना ही देना है, कितने वैकेंसीज हैं, कितने पद मेरे भरे गए हैं, कितने पद मेरे खाली हैं, इनको दे देना है। अब आप देखोगे जो SSC GD की जो वैकेंसीज इस बार 2018 की आई थी, उसका जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो ज्वाइनिंग आपकी जुलाई 2020 तक हो जानी है। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये ब्यौरा पूरा देते हैं,
फाइनेंस ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष मार्च अप्रैल तक की जैसे ब्यौरा दे देते हैं, तो इनका जो ज्वाइनिंग होने अप्रैल तक हो जाएंगे। अब जो यहाँ का गृह मंत्रालय क्या करेगा, एसएससी और सीआरपीएफ को दोनों को ये सूचना देगी कि आपको फिर से वैकेंसीज आ रही है, तो जितने टोटल वैकेंसीज की जब ब्यौरा मिलने के बाद एसएससी को बोलेगा कि आपको एडवर्टाइज जारी करिए, इतनी वैकेंसीज आपको इस विभाग में देने हैं, तो एडवर्टाइज जारी होगा। फिर क्या करेगा कि वो सीआरपीएफ को भी नोटिस देगा कि आपको इतने जो वैकेंसीज है इसकी वैकेंसीज को आप पूरा कंप्लीट करना है, आपको ये जो वैकेंसी आ रही है रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या करेगा वो अपना सीआरपीएफ उसमें लग जाएगा और एसएससी जो क्या करेगा आपका एडवर्टाइज जारी कर देगा। तो क्या करें, 2018 की जो वैकेंसीज है वो आपकी जुलाई में कंप्लीट होने यानी कि ज्वाइनिंग हो जानी है, या तो उनको पहले से नोटिस आपको पहले काफ़ी लोग पता होगा, या तो नहीं पता तो आपको बता देना जुलाई तक आपके जो 18 की वैकेंसीज चल रही है एसएससीडी की वो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 100%। तो क्या करेगा, अब आपके जुलाई में तो होने वाले नहीं हैं और मार्च अप्रैल तो पूरा विवरण को दे देना है, तो क्या करेगा, देने के बाद एसएससी को क्या कर, 1-2 महीने तो आपको लगने वाले, एडवर्टाइज जारी करेगा, उसको फॉर्म को बनाएगा, जो आपका नोटिफिकेशन आता है उसको वो लोग बनाएंगे, बनाने के बाद आपको मान सकते हैं 2-3 महीने आपको लग जाएंगे, यानी कि आपके जुलाई हो ही जाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग होते होते जुलाई अगस्त सितंबर, तो आप मान सकते हैं कि आपके मार्च अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त यानी कि 3 से 4 महीने यानी कि 1 मंथ आपकी एडवर्टाइज जारी करने को लग जाएगा। एडवर्टाइज जारी होने के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है जुलाई में, तो अब जुलाई और अगस्त यानी कि अगस्त और सितंबर में आपको जो ये नोटिस है यानी कि आप न्यू वैकेंसीज है आपकी आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ बताया कि आपको इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर में आपको देना ही देना है, इस बार आपको इनको देना है। तो जैसे ही इनके ब्यौरा मिलता है, जैसे ही विभाग उनको जारी कर देगा, जारी से होगा, जैसे ही आपकी जो वैकेंसी है वो जारी फिर से पुनः आ जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी वैकेंसी 2020 में 100% आने वाली है, तो जो कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हो गए थे 2018 वाले में नहीं हो पाए थे किस कारणवश, तो लोग आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अभी अभी 2018 हुए हैं, ठीक है, उनकी भी मौका मिल रहा है, तो आप अभी से तैयारी करो यार, ठीक है। आप तैयारी अभी से कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय निकलने के बाद सभी लोग तैयारी करते हैं, तो जिनकी तैयारी बहुत पहले से अच्छे से रहती है वही हो पाते हैं। आपको पता होगा कि इतना कंपटीशन है, इतना होना आसान नहीं है, तो आप पहले से तैयारी करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है मैं आपको बता दूंगा, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको दिखा भी दिया जो इस बार वैकेंसी, इस बार जो नोटिस ये आई है, ठीक है, ये वैकेंसी आई है, और जो पहले आई थी आपकी 13 अगस्त 2019 को आई थी, तो मैंने आपको इसको भी दिखा दिया, ठीक है, ये आ गया, और आपकी ज्वाइनिंग लेटर वाली जो बात है ये आपको भी दिखा दिया जुलाई 2020 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, और वैकेंसीज टोटल कितनी है ये हम आपको हो सकता नहीं बता पाएंगे, और वास्तव में आपको नहीं बता सकता कितनी वैकेंसीज है, समथिंग आपकी 80+, जैसा कि पहले वहाँ पर एक आया न्यूज़पेपर में कि 84,000 पद खाली है, तो हो सकता 84,000 भी आ जाए, नहीं तो 60 या 50+ तो आने ही आनी है, ठीक है। तो वैकेंसीज अच्छी खासी आएगी, तो आप लोग परेशान ना हो, 2020 में आपकी न्यू वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद है यार वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक अभी तो कर दो और शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए थोड़ा सा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में ज़रूर आप लिखिए कमेंट में कि आपको कैसा लगा, और कम से कम आप अपना नाम जरूर लिखिएगा आप किस प्रदेश से हो, ताकि हमको पता चल सके कि आप किस स्टेट से मेरी वीडियो कौन से स्टेट से आप देख रहे हो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, अपना नाम और कौन सी कैटेगरी आप ज़रूर लिखिएगा। तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।